गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। रामगढ़ ताल में ट्रायल के दौरान ओवरलोडिंग के कारण पलटी नाव, सवार थे 5 बच्चों समेत 9 लोग, मची अफरा तफरी, सभी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जिला उद्योग केंद्र पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने फीता काट कर किया शुभारंभ। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किया गया ऋण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर होने वाले परेड का रविवार को किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। एसएसपी ने परेड का किया निरीक्षण। मार्च पास्ट की ली सलामी, कहा जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री होंगे 26 जनवरी समारोह के मुख्य अतिथि। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर में महिलाओं के लाभार्थ 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर सकुशल हुआ संपन्न। महिलाओं के लाभार्थ विभिन्न योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का रविवार को जिले में नगरीय और ग्रामीण 79 केंद्रों पर किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में मरीजों का किया गया उपचार। 113 लोगों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बनाया गया गोल्डन कार्ड। चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को बड़हलगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी की गई एक भूसा बनाने वाली मशीन और चोरी करने में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर किया बरामद, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सिक्कों पर आधारित 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों ने जाना प्राचीन काल के सिक्कों का इतिहास। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को लेकर मातृशक्ति द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। रामलला हम आएंगे मंदिर जन्मभूमि पर बनाएंगे से गगनभेदी नारों से गुंजायमान रहा माहौल। शोभा यात्रा का महानगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। रेलवे स्टेशन स्थित जीआरबी थाना पर आधुनिक महिला हेल्प डेस्क का एसपी रेलवे ने किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर स्टेशन पर की सघन चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। गोरखपुर में रविवार को मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,349। अब तक 356 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 119 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। वार्ड नंबर 50 विकास नगर के पावर हाउस के बगल से मुन्नी लाल यादव के घर तक के सीसी रोड का नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया शिलान्यास, कहा सड़क निर्माण से कॉलोनी वासियों की यात्रा होगी सुगम और सरल। और डिवाइन टच एंड रिहेब एकेडमी के तत्वावधान में महानगर स्थित एक स्थानीय होटल में फिजियोथेरेपी वर्कशॉप का किया गया आयोजन। फिजियोथेरेपी से विभिन्न बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है विषय पर की गई चर्चा।